नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पति और पत्नी के प्रेम की दिल छूने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया ही नहीं जाता। आज की ये कहानी ऐसे ही हो रहे अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नजरिया जो है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं, उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गईं। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां करता था। पति की पत्नी के लिए दिल छूने वाली चिट्ठी, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूंगा। ये पहली पंक्ति पढ़ते हैं मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो
तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाजा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाजा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियां सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं, तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं, जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूंगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह करता है, और मैंने फूल को ना ही तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नजरअंदाज कर देता है जो शांति और नीरसता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा है। ये सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने आपके भी दिल को छुआ या नहीं? ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।